हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेस में। तो मेरा नाम है ज्ञानेन, मैं आपको पढ़ाता हूँ साइंस। हम 10वीं की साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में हमने चौथा लेसन स्टार्ट किया है। चौथे लेसन के हमने दो वीडियो आपको दिए हैं, आज दे रहे हैं हम आपको तीसरा वीडियो। इतने में मैंने गोला काला किया है। गोला इसलिए काला किया है क्योंकि आज मौसम खराब हुआ है, था कल, तो लाइट आ ही नहीं है। लाइट नहीं आ रही है तो क्या है कि बेटा, वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ मंडे को, ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मंडे को, तो मोबाइल का फ्लैश जला के, मोबाइल की लाइट जला के शूट कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हो सकता मैं अच्छा से ना दिखूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, है ना। जो बताऊँगा समझ में आएंगे, बोलूँगा समझ में आएंगे, बोर्ड वाला दिखेगा सब कुछ, ठीक है बेटा। तो इतने में फ्लैश की लाइट लग रही है, चमक रहा है, इसलिए इतने में मैं लिखूंगा नहीं। इसलिए इतने में क्या कर दिया, मैंने गोला कर दिया। समझ आ गई बात बेटा, इतने में क्या कर दिया, गोला। इसमें मेरे को नहीं लिखना है, ठीक है। तो मेरा नाम है ज्ञानेन्द्र और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में बेटा बताए थे दो टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। हमने एक देख लिया था, एलिफैटिक वाला देख लिया था हमने। आज दूसरा पढ़ना है एलिफैटिक के। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एग्जाम्पल देख लिए थे हमने। तीन एग्जाम्पल देखे, ब्यूटेन नहीं देखा था मैंने। वैसे आप दूसरी हेडिंग डालेंगे बेटा, दूसरी हेडिंग कौन सी डालेंगे, दूसरी हेडिंग डालेंगे साइक्लिक। क्या हेडिंग डालेंगे दूसरी, उससे क्या आगे लिखेंगे ना, पचास चार्ट बनाए थे ना हम, उनमें चार्ट में देखो समझ में आएगा। हाइड्रोकार्बन दो तरह के थे, पहले एलिफैटिक, दूसरा क्या था साइक्लिक। क्या था साइक्लिक, क्या था बेटा साइक्लिक, और दूसरा नाम या संवृत हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो साइक्लिक मतलब एक साइक्लिक से मान से पता चल रहा है कैसी संरचना होगी इनकी, साइक्लिक संरचना होगी। कैसी होगी, कोई ना कोई क्लोज साइकिल बनेगी इनमें, कोई ना कोई साइकिल बनेगी। साइकिल वर्गाकार हो सकती है, साइकिल त्रिभुजाकार हो सकती है, साइकिल षटकोणीय हो सकती है, ऐसे हो सकती है। मतलब एक जगह से शुरुआत होगी और उसी जगह पे वापस आ जाएगी, इसी को साइकिल बोलते हैं ना। एक जगह से कोई चीज शुरू हो, वापस उसी पे आ जाए, वो चाहे जैसे जाए, चाहे ऐसे जाके आए, चाहे ऐसे जाके आए, है ना, चाहे ऐसे जाए, यही जहां से शुरुआत हो जिस बिंदु से वहीं पे आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे ही यौगिक बनेंगे, समझ गए। चलो साइक्लिक या समूहक, अब आप इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे बेटा, थोड़ा सा लिखो लिखो। वे यौगिक जिनमें कार्बन या अन्य परमाणु, कार्बन या बंद परमाणु, अन्य परमाणु एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक बंद श्रृंखला या चक्र का निर्माण होता है, चक्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो इन्हें साइक्लिक या साइक्लिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, चक्रीय। साइक्लिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं, साइक्लिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं, ठीक है बेटा, समझ गए। चलो उदाहरण देखेंगे अब हम। पहला उदाहरण होगा हमारा, ये भी कई प्रकार के, पहले उदाहरण देख लेते हैं फिर प्रकार इनके देखते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला उदाहरण देखेंगे हम साइक्लो प्रोपेन। अब साइक्लो मेथेन नहीं हो सकती, मेथेन एक ही कार्बन होता है ना, कार्बन परमाणु यहां से कई सारे होने चाहिए, बात समझ में आ रही है। कार्बन परमाणु कई, साइक्लो प्रोपेन, प्रोपेन दो दो कार्बन में भी कोई साइकिल नहीं बन सकती, बन सकती क्या, नहीं बन सकती, कम से कम तीन हो। साइक्लो क्यों आया है,
क्योंकि चक्र बनाते हैं इसलिए साइक्लो आया, समझे? कैसे बनाते? तीन कार्बन हमने ऐसे लगा दी, ये सब एक एक बांड से आपस में जुड़े होते हैं। मतलब बांड कब बनती हैं? इलेक्ट्रॉनों के साझा से, मतलब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जुड़ा। कैसे साझा कैसे करते हैं, कैसे बांड बनती है, कैसे इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ये हमने पहले वीडियो में बताया था ना बेटा, बताया है मैंने। देख रहे हो, आपसे नहीं समझ में आया वीडियो फिर से देख लो, और नहीं तो संडे वाली वीडियो देखो, जो संडे को वीडियो दी थी ना, संडे को अणु कैसे बनता है, ठीक है, आवेश कैसे आता है, जो शनिवार को वीडियो दी थी वो वाली देखो, बढ़िया समझ में आया, ठीक है। चलो देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे सब कार्बन ने साझा किए, देखो साइकिल बन गई ना, त्रिभुजाकार ऐसे बन गया ना, बंद श्रृंखला बन गई। अब इनके जो संयोजकता फ्री है, हर कार्बन के देखो दो संयोजकता बिजी हो गई है, चार होती है, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन मतलब चार संयोजकता, जितनी संयोजकता उतने ही परमाणु से जुड़ सकता है वो, ठीक है, एक एक का साझा करके। तो यहाँ पे इसकी दो बिजी है, इसकी भी दो बिजी है, इसकी दो बिजी, एक इस तरफ बिजी है, एक इस तरफ बिजी, एक इस तरफ बिजी, एक इस तरफ, एक इसकी इस तरफ, एक इस तरफ, तो दो दो फ्री है, दोनों तो दो दो फ्री है, दो दो क्या है, दो दो फ्री है, तो एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यही है साइक्लो बेटा, यही है क्या, साइक्लो प्रोपेन, यही है साइक्लो प्रोपेन। आशा करते समझ आ गया होगा। हर कार्बन की देखो चार चार संयोजकता पूरी हो गई है, इसकी भी चार संयोजकता पूरी, इसकी भी चार पूरी, इसकी भी चार पूरी। एक बच्चे, एक लड़की बोली, सर सब कुछ अच्छा है आपका, सब कुछ अच्छा है, पढ़ाते बढ़िया हैं और समझाते भी अच्छा है, समझ में भी आता है, इम्प्रूव भी होता है, स्पीड भी अच्छी है पढ़ाने की, सब कुछ अच्छा है सर, आप जो व्हाइट बोर्ड पर हैंड राइटिंग है उसको सुधार लें। तो आप समझ जाते हैं ना मेरा लिखा, बस इतना ही बहुत है। मैं कोशिश तो करूँ, मेरी हैंड राइटिंग यार हमेशा से ख़राब थी, मेरी जो हैंड राइटिंग थी वो हमेशा से ख़राब थी, मेरी राइटिंग नहीं बनी है। तो राइटिंग बनती नहीं तो हम करें क्या, हम भी कोशिश करते हैं अच्छा अच्छा लिखें, कोई ये थोड़ी ना चाहे बस सूरत लिखे, गंदा गंदा लिखे, गंदा गंदा दिखे, कोई चाहता है गंदा दिखना? आप में से कोई चाहता है गंदा दिखे या गंदा लगे? नहीं चाहता ना, हम भी नहीं चाहते कि गंदा कुछ दिखे या गंदा लगे, नहीं चाहते, ठीक है। अब शर्ट, अब यहाँ पे शर्ट दिखता है, नीचे चाहे जो पहने हो दिखता ही नहीं, चलो नीचे चाहे शर्ट पहना हो, चाहे चड्डा पहना हो, चाहे जो कुछ भी पहना, नीचे दिखता ही नहीं। चलो अगला उदाहरण देखते हैं, ना जानो क्या पहना नीचे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अब कैमरा घूम तो सकता नहीं है, मोबाइल का कैमरा है, ऊपर इतना ही आता है, तो नीचे पहनने की जरूरत भी नहीं, कुछ वैसे चल जाता है। चलो मजाक कर रहे थे, पहन रखा है, ऐसे थोड़ी ना रहेंगे, कुछ ना कुछ तो पहनना ही होगा ना। चलो आप पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो अब देख लेते हैं अगला उदाहरण क्या देख लें, साइक्लोब्यूटेन भी बन सकता है। यहाँ पे साइक्लो, साइक्लो मतलब चक्री होता है, इसलिए साइक्लो चक्र में बनता है ना, एक साइक्लो ब्यू ब्यूटेन, इसमें चार ब्यूटेन कब आता है, चार कार्बन सभी एक से जुड़े होंगे। अब जितने फ्री है उतने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, दो दो फ्री है, दो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये किसकी संरचना हुई है बेटा, ये किसकी संरचना हो गई, ये साइक्लोब्यूटेन की हो गई। अब बेंजीन, इनको बना लेना। अच्छा अब बेंजीन का उदाहरण देखो, ऐसे ही बना, नाम लिखना फिर उसकी संरचना बना देना। अब बेंजीन का देखो फिर नाम लिखना, जैसे उदाहरण में तीन उदाहरण दे रहे हैं, बेंजीन नाम लिखना, जीन है, जोन नहीं, जीन C6H6, ये परमाणु क्रमांक, शोर हो रहा है थोड़ा, मैं इनको शांत कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे शोर करते हैं घर में। अब क्या किया जाए, बच्चों वाला आदमी हो ना, तो बाल बच्चे पापा, सॉरी मेरे कोई बाल बच्चे नहीं है, मैं भी ऐसा हूँ, तो बच्चे हैं घर पे, बच्चे हैं आस पास पड़ोस के आ जाते खेलने, घर पे भी बच्चे हैं, ठीक है, तो खेलने आ जाते, आवाज़ करने लगते हैं। चलो इसकी संरचना देखते हैं, कितने कार्बन है यहाँ पे, छः। एक ऐसी बन सक रहा चक्री साइक्लिक यौगिक का उदाहरण है, तो साइक्लिक का हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनी होगी, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो ये भी चक्री होगा, चक्री होगा, छह कार्बन होंगे, चक्री होगा, कैसे होगा सर, देखो मैं दिखाता हूँ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन,
सर यहाँ 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 नारा करके यहाँ लगा देते तो। अरे दोनों हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सही है, एक एक बार से जुड़ जाएंगे सब। और सोच यही होता है इसका, एक एक बार से क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे सब, जुड़ गए। अब एक एक हाइड्रोजन है सबके बीच, सबके पास एक एक छह हाइड्रोजन, जो एक एक हाइड्रोजन है सबके पास, तो एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक रहा है ना, नीचे तक सबके पास एक एक हाइड्रोजन हो गया। देखो अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर, दोनों बना रहे, दोनों बेंजीन की है। अच्छा दोनों तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो सबकी क्या चार, हर कार्बन की चार चार संयोजकता क्या पूरी हुई है, चारों संयोजकता से परमाणु का साझा हुआ है क्या, चारों संयोजकता बिजी है क्या कार्बन की। यहाँ पे देखो कितनी संयोजकता बिजी है, एक इधर बिजी है, एक इधर बिजी है, एक इधर बिजी है, हाइड्रोजन के साथ तीन बिजी है एक फ्री है। इसमें देखो तीन बिजी है एक फ्री है, तो यहाँ पे क्या करें, एक बॉन्ड और बना देंगे, एक एक बॉन्ड और बना देंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री है तो बॉन्ड बना लेंगे ना, साझा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब देखो इसकी चार फिर बिजी है, इसकी दो इधर बिजी है इलेक्ट्रॉन, एक इधर इलेक्ट्रॉन बिजी है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बिजी है, तो चार इलेक्ट्रॉन इसके बिजी हो गए, बिजी हो गए ना इस वाले कार्बन। देखो 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 इस कार्बन में बोलो, इसके भी चार बिजी है, इधर दो बिजी है, इधर एक हाइड्रोजन से बिजी है, इस कार्बन से बिजी, चारों बिजी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन बिजी है, एक इधर बिजी है, एक इधर बिजी है, एक इधर बिजी है, तीन बिजी है। तो सर यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे तो हम बांड नहीं लगा सकते क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, इधर नहीं लगाएंगे यहां लगा देंगे, इसके पास तो फ्री था। अब इसके भी चार बीजी, इसके भी चार भी नहीं, चार जो मिल लो, इस कार्बन के दो इधर बीजी है, एक इधर बीजी है, एक इधर बीजी, चार हो गए। इस कार्बन के कितने बीजी है, इस कार्बन के एक बीजी है, दो बीजी है, तीन बीजी है, तीन बीजी है, इस कार्बन के एक बीजी है, दो बीजी है, तीन, यहां पे बाण लगा ले, यहां पे बाण लगाएंगे देखो सबके चार चार बीजी हो गए, इसके भी देखो चार बीजी हो गए, दो इधर एक इधर एक इधर, हाइड्रोजन से इस कार्बन के, एक हाइड्रोजन से, दो इस कार्बन से, दो एक इस कार्बन से, चार बिजी हो गए। अब ये बन गया, ये हो गया बेंजीन की संरचना। अब यहाँ पे यही काम करेंगे हम, यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड लगा लिए, तो फिर एक छोड़ के लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे। अब गिन लो सबकी चार चार हो गई बिजी, ठीक है। अब मान लो यहाँ लगाते बॉन्ड तो ये छोड़ते, ये लगा यहाँ लगा आता, फिर यहाँ आता, समझे, ऐसे चलता है, एक एक छोड़ के चलता है इसमें, ठीक है। अब ऐसे बनता है कभी कभी हम बेंजीन की संरचना ये वाली भी बना देते हैं, ये वाली बेंजीन। अब ये बेंजीन अभी नहीं, इसमें भी बांड बनेगा, देखो कहां, यहां पे बांड है डबल, यहां पे डबल है, यहां पे डबल है, देखा। अब जहां जहां पे मोड़ है वहां वहां पे क्या है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहां पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहां ये वाला, यहां पे एक कार्बन हाइड्रोजन, यहां पे एक कार्बन हाइड्रोजन है, यहां पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, तो यहां पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन, जहां जहां पे मोड़ है वहां पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन है। इस तरह से भी बेंजीन को दिखा देते हैं, इसको चाहे ऐसे पढ़े लिखा देते, पढ़ी संरचना ये वाली पढ़ी हुई थी, है ना, ये वाली क्या थी, पढ़ी हुई थी, ये भी बेंजीन है, समझ के सब सही है, कैसे भी आप बना सकते, कैसे भी लिख सकते, मैंने सब बता दिया। तो साइक्लो साइक्लिक चक्रीय यौगिक के काम हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हो गए। चलिए अब आगे लिखिए बेटा, आगे लिखो, लिखो चक्रीय यौगिक, नीचे लिखो उदाहरण के बाद। चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, दोनों के नाम लिख लो। चक्रीय यौगिक दो प्रकार, ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, पहला है समचक्रीय, समचक्रीय, दूसरा है विषम। यार उतनी तो खराब नहीं लगती मुझे मेरी राइटिंग, पर है खराब मानता हूं मैं, सबसे क्या होता हूँ, बच्चों वाली राइटिंग है, ठीक है, मैं भी बच्चा हूँ अभी, मैं ठीक है। ये होमोसाइक्लिक हो जाएगा, ये हेटरोसाइक्लिक हो जाएगा, हेट्रो मतलब विषम, है ना, ये हेटरोसाइक्लिक हो जाएगा, है ना, ये सी है, ये क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक, होमो साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है।
हाइड्रोकार्बन की स्पेलिंग लिखी हुई है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन ही कहलाते हैं, है ना। चलो वीडियो बन रही अच्छी खासी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहली हेडिंग डाल लेंगे हम, पहली हेडिंग डाल लेंगे हम, ये वाली हेडिंग डाल लो, यौगिक हम खत्म करेंगे आज, तभी वीडियो बंद करेंगे आज। चलो यौगिक हेडिंग डाल लो, लिखो वे चक्रीय यौगिक इसमें लिखो वे चक्रीय यौगिक जिनमें जिनमें संवृत्त श्रृंखला के बनाने में केवल कार्बन परमाणु भाग लेते हैं, समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। समचक्रीय इसको दूसरा नाम क्या बोल दिया, कार्बो मतलब कार्बन वाले, सिर्फ कार्बन रहता, हाइड्रोजन तो रहता है सब में, हाइड्रोजन बिना कोई हाइड्रोकार्बन बनता नहीं है, और कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही, मतलब इसमें सिर्फ कार्बन होगा और कोई अन्य नहीं होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही हाइड्रोजन, इसके उदाहरण यही हो गए, उदाहरण साइक्लोप्रोपेन और बेंजीन, हम दोनों के बारे में लिखते हैं, इसके उदाहरण क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपेन और क्या लिखेंगे बेटा, एंड बेंजीन, ठीक है, साइक्लो प्रोपेन एंड बेंजीन हो गया। चलो अब क्या सर, अभी उदाहरण हो गए, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे ना, अब क्या डालेंगे, दूसरी हेडिंग डालेंगे या इसके प्रकार हैं, अभी हमने चार्ट बनाया था आपको, चार्ट में आप देख सकते हैं। अब नीचे नई लाइन से लिखो, उदाहरण के बाद लिखो यह पुनः मतलब समचक्रीय, पुनः दो प्रकार के होते हैं समचक्रीय यौगिक या समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, पुनः दो प्रकार के होते हैं। अब पहली हेडिंग डालो पहली हेडिंग डालो बेटा, एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमैटिक हाइड्रो, ये सी ए होता है, अच्छा कार्बन, ठीक है, एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। अब चलो इसको देख लेते हैं। अब दूसरे है होते हैं, दूसरा भी बाद में लिखते हैं ना, इसको लिख लिखो पहले, लिखो वे सभी यौगिक जिनमें जिनमें छह कार्बन परमाणु हो, जिनमें छह कार्बन परमाणु हो, जैसे बेंजीन था ना, छह कार्बन परमाणु हो तथा एकांतर का में, एक एक के अंतर में,
एकांतर का मतलब एक एक अंतर में, जैसे बेंजीन में था तो बेंजीन में एक होता था फिर एक छोड़ के फिर डबल आता था, एकांतर का क्रम में, एकांतर क्रम में या फिर सीधा सीधा द्विबंध होता है, एकांतर क्रम में द्वि आबंध उपस्थित होता है, एकांतर क्रम में द्वि आबंध, द्वि मतलब डबल बॉन्ड, ऐसे द्वि आबंध उपस्थित होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब बेंजीन उदाहरण लिख लेंगे, इसमें बेंजीन लिख लेंगे, बेंजीन ये था ना, यही तो था, एक फिनाल होता है, फिनाल जब बेंजीन की रिंग पे OH लग जाता है ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, फिनाल हो जाता है। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, फिनाल हो जाता है, फिनाल हो जाता है, सॉरी, जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ना कार्बन पे, तो वो हाइड्रोजन आता है तब वो यह जुड़ता है, तो संरचना वही रहेगी, संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोकार्बन होगा, एक क्लोरोबेंजीन हो जाता है, जब सीएल लग जाता है तो क्लोरोबेंजीन हो जाता है, ये इसके अनुरूप है। इसका क्या हो जाए, C6H5, एक हाइड्रोजन हटेगा एक सीएल लगेगा, इसका क्या हो जाए, C6H5 OH हो जाएगा, इसका तो C6H5 होता ही, आप ये समझ में नहीं आता तो आप ये वाले लिख लेंगे, लेंगे। ठीक, चलो हो गया, ये खत्म हो गया। अगली हेडिंग डालो बेटा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन लिखो, लिखो इसमें लिखो, एलिसाइक्लिक तो लिख लोगे ना भाई, ए लिख साइक्लिक, ये तो बार बार बोल रहा हूं ना, आधा का है यहां पे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन लिखो, लिखो 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 लिखो, वे यौगिक जिनमें जिनके गुण जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं तथा तथा इनमें द्वि आबंध नहीं पाए जाते, द्वि आबंध मतलब डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते, द्वि आबंध नहीं पाए जाते, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, वही साइक्लोप्रोपेन ये वाला उदाहरण है ना, कार्बन कार्बन था ये वाला उदाहरण, ये वाला उदाहरण लिख देना आप। अच्छा एच एच था ना ये वाला उदाहरण, साइक्लोप्रोपेन था, साइक्लोब्यूटेन, ये सब लिख लेंगे, एलिफैटिक में जो उदाहरण लिखे थे ना, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन आ जाए, पेंटेन में 5 कार्बन आ जाए, ये सब उदाहरण हो जाएंगे, जो एलिफैटिक में उदाहरण लिखे तो वही सेम सेम है इसमें सब। ठीक है, अब हेडिंग डालो विषम चक्रीय यौगिक, क्या हेडिंग डालो बेटा, विषम चक्रीय यौगिक, अब दूसरा प्रकार है इसका, इसका प्रकार हो गया जो समसक्रिय है, दो प्रकार हो गया, विषम चक्रीय, दूसरा क्या है, विषम चक्रीय वाला, विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन लिखो बेटा, विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन लिखो, लास्ट हेडिंग है लिखो, वे चक्रीय यौगिक, वे चक्रीय यौगिक जिनमें श्रृंखला के बनाने में, जिनमें श्रृंखला के बनने में, श्रृंखला के बनने में लिखो, जिनमें श्रृंखला के बनने में कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी भाग लेते हैं, कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी भाग लेते हैं, उदाहरण लिख लो, पिरिडीन, थायोफीन, फ्यूरान, पिरिडीन, पिरिडीन और क्या बोला मैंने, फ्यूरान बोला, फ्यूरान, फ्यूरान है, फ्यूरान, थायोफीन, थायोफीन, थायोफीन लिख लोगे ना, थायो
और क्या बोला मैंने, फ्यू राम सर अब संरचना बना के दिखा दी तो समझ में आ जाता था कैसे श्रृंखला बनाने में भाग लेता। श्रृंखला मतलब एक तरह की चैन, श्रृंखला मतलब एक तरह की चैन, समझ गया बेटा जी, समझ गया बेटा जी। जैसे हम ले लेते हैं, हम किसको ले लेते हैं, पहला पिरामिडिन ले लेते हैं, पिरामिडिन देखते हैं हम इसकी संरचना बना रहे हैं। अच्छा तो कार्बन 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 यहाँ पे आ जाता है नाइट्रोजन, सब जुड़ जाते हैं, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, कार्बन तीन बार बना सकता है, तीन हो गए कार्बन। अब हाइड्रोजन जितने फिरे हैं वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बेंजीन की रिंग में ही क्या है, यहाँ पे जो कार्बन होता है उसकी जगह पे नाइट्रोजन आ जाता है। अब देखो कार्बन क्या श्रृंखला, श्रृंखला तो इन्हीं से बन रही ना, हाइड्रोजन से तो नहीं बन रही है, बेंजीन की रिंग में कार्बन से ही श्रृंखला बन रही थी, यहाँ पे कार्बन कार्बन के अतिरिक्त कोई ना कोई अन्य परमाणु भी जुड़ा होता है, ऐसे ही समझ लेंगे आप। ठीक है, ये पिरामिडिन की थी, क्या इन दोनों की भी बनाना पड़ेगा, बताओ बच्चा बताओ, क्या इन दोनों की भी बनानी पड़ेगी, बताओ बेटा बताओ बताओ। थायोफिन में सल्फर जुड़ता है और फ्यूरान में ऑक्सीजन जुड़ता है, सब कुछ ऐसे ही रहता है, सब कुछ ऐसे ही रहता है कि चेंज होता है, बच्चों को देख लेते हैं। ये होगा ये होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे सल्फर आ जाता है, और बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो, जहां जहां पे डबल है एक ही हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा एक एक, और डबल जोड़ दो बॉन्ड, इसके चार पूरा है, चलो एक दो तीन पूरा है, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे डबल लगा दे, जैसे हम यहाँ पे डबल लगा तो यहाँ पे डबल लगा हो गया। अब यहाँ पे क्या करें हम सर, इसके तीन चार चार, अब सबके चार चार पूरा हो गए, बन गई संरचना, ये थायोफेन की है, सल्फर जो जुड़ता है, फ्यूरान में ऑक्सीजन होता है, समझ गए। तो हमारे जो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण था पूरा हमारा फिनिश हुआ, समझे बच्चे। तो हम आगे पढ़ेंगे कल, एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कहो तो अभी लिखा दे नहीं तो कल लिखाएंगे, ये अंतर पूछ लिया जाता है, एरोमेटिक तथा एलिफैटिक यौगिक में अंतर बताओ, एरोमेटिक तथा एलिफैटिक यौगिक में अंतर बताओ। तो चलो लिख ही लेते हैं, तब यौगिक से छुट्टी मिल जाए इनसे हमारी, ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक तथा एलिफैटिक यौगिकों में अंतर बनाओ। आप चार्ट बना लेंगे, एक तरफ एलिफैटिक लिख लेंगे, एक तरफ एरोमेटिक लिख लेंगे, कैसे, एक तरफ एलिफैटिक लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे लाइन खींच लेंगे, एलिफैटिक हो जाएगा नंबर एक, नंबर एक ऐसे ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे इधर एरोमेटिक इधर एलिफैटिक, लिखोगे अब, लिखो लिखो लिख तो लोगे, मैंने पहले भी लिखा है एरोमेटिक एलिमेटिक, मैं जल्दी से बोलता हूँ, बेजो ज्यादा लंबी ना करवाओ, अब लिख लो ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक, पहले भी जान ले जान गए थे आप लोग। चलो उसमें लिखो, एरोमेटिक में लिखो, ये संवर्त श्रृंखला यौगिक होते हैं, संवर्त मतलब क्या हुआ बेटा, संवर्त वृत्त श्रृंखला यौगिक होते हैं, ये विवृत्त श्रृंखला यौगिक होते हैं, इनकी श्रृंखला कैसी थी एरोमेटिक और इनकी एलिफैटिक में कैसी थी, ऐसी कुछ बनती थी, इसका मतलब क्या हुआ था, इनमें तो छह कार्बन जाएंगे, इनमें अरे बाबा इनमें क्या जाएंगे, इनमें अधिक जाएंगे, ठीक है, इनकी श्रृंखला क्या होती है, एक मिनट रुक जाना बेटा, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है,
तो क्या मैंने बताया, संवर श्रृंखला योगी विवर श्रृंखला, ये संवर श्रृंखला योगी तो ये विवर श्रृंखला, संवर श्रृंखला मतलब क्या हुआ बेटा कि इनकी जो चैन होगी, इनकी जो रिंग, ये रिंग में होंगे, एक चैन में होंगे, इनकी जो श्रृंखला होगी बंद होगी। विवर्त मतलब खुली श्रृंखला होगी, कार्बन ऐसे लंबी चेन में होंगे, है ना, जैसे प्रोपेन था ऐसे बन गया था, बाकी हाइड्रोजन लगा लेते थे, ये डाट ये जो बाण लगा रहे हैं इनमें मिलने, मतलब इनमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, इनमें क्या होगा हाइड्रोजन जुड़ेगा, और भी लंबा बना सकते हैं, ये लंबी जा सकते हैं, इसके मेथेन एथेन ब्यूटेन प्रोपेन ये सब उदाहरण होते थे ना, इनमें एकल बंध पाया जाता था, इनमें डब, अब इनमें लिखो, इनमें द्वि आबंध पाया जाता है, द्वि आबंध एकल एकल आबंध द्वि आबंध पाया जाता है ना, या फिर द्वि आबंध होता ही है एरोमेटिक में। अब एलिफैटिक में लिखो बेटा, इनमें एकल आबंध पाया जाता है, एलिफैटिक में दूसरा पॉइंट का लिखो, इनमें एकल आबंध पाया जाता है, लिख लिया, सबसे मेन पहचान, डबल आबंध आए तो एरोमेटिक, सिंगल आबंध आए तो एलिफैटिक, चलो समझ आ गई बात, चलो अगला लिखो, उधर लिखो, ये इनको जलाया जाता है, ये धुआं देते हैं, धुआं, ये धुआं नहीं देते, चलो लिखो, यह उधर वाले में लिखो एरोमेटिक में, यह धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, या धुएंदार ज्वाला के साथ नहीं जलते, हो गया, या धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, या धुएंदार ज्वाला से नहीं करते, या कम क्रियाशील होते हैं, या कम क्रियाशील होते हैं, इस वाले में लिखना, या अधिक क्रियाशील होते हैं, या अधिक क्रियाशील होते हैं, समझे, समझ गए, चार अंतर बहुत है ना, चलो ठीक, उदाहरण तो आप लिख ही सकते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया, एरोमेटिक उदाहरण हो जाएंगे, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सब एलिफैटिक उदाहरण। तो वीडियो अच्छा लगा तो बस क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना यार, सब अच्छा है, आप लोग कर दे तो लाइक वाइक कर दे तो, आप लोग नोट्स बनाना है लिखना है, मेहनत करनी है यार, और क्या करना है, मेहनत करने के लिए क्या करना है, अगर हम पसंद आते तो आप लाइक कर सकते हैं, थम दबा सकते हैं ये वाला, ठीक है, एक डिसलाइक होता है ये वाला, इसको मतलब डिसलाइक कर देते हैं हम, वीडियो शेयर तो शेयर लिखा रहता है, तीर बना रहता है, शेयर कर सकते हैं, आपकी इच्छा है करो चाहे ना करो कुछ, तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।